नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसकेटॉक्स। भाई कल सिद्धार्थ शुक्ला जीत गया बिग बॉस 13 एंड बिग बॉस 13 सिद्धार्थ शुक्ला जीता। इसके बाद से कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट, ही वॉज द मोस्ट लवेबल कंटेस्टेंट, उसके नाम से मोस्ट यानी मैक्सिमम ट्वीट्स हुए, ही गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स। अब कितने नंबर ऑफ वोट्स ये आए तो कभी किसी को बताया नहीं है बिग बॉस के इतिहास में आज तक। लेकिन बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर कि क्रू मेंबर्स बात कर रहे हैं कि शुक्ला एंड असिम दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, बट प्रिडिक्टेबल विनर शुक्ला है एंड एज पर दैट शुक्ला को विनर बनाया गया, जो कि वीडियो वायरल है। मेरे इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर वगैरह सब जगह वो शेयर किया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं यहां पर अभी कॉन्ट्रोवर्सी तो खैर काफी दिनों तक बातें होंगी इसके बारे में, बट हम जानते हैं कि चैनल ने इस सीजन भर भर कर चीटिंग की है, भर भर कर पार्शियलिटी की है। आपको याद होगा, याद नहीं तो दोबारा बता देता हूं, जब ये सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ था उसी समय मैंने बोला था ये सीजन सितारा स्पेशल नहीं बल्कि खटारा स्पेशल होने वाला है। और ये जो सो कॉल्ड टेढ़ा ट्विस्ट है, ये टेढ़ा ट्विस्ट क्या है ये हमें पता चल चुका है, क्योंकि डे वन से एक फिक्स्ड विनर ये लोग लेकर के चल रहे थे। और बिग बॉस का इतिहास अगर आप उठाकर देख लें सीजन वन से लेकर अब तक, हार्डली कोई एक या दो विनर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हमें रेगुलरली दिखाई देते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो विनर्स हैं वो या तो घर बैठे ट्रॉफी निहार रहे हैं या फिर बिग बॉस की वजह से या फिर बिग बॉस के जब सीजन आते उसी दौरान वो कुकुर मुत्ते की तरह हमें दिखाई देते हैं, फिर कहीं छुप जाते हैं। एंड अगर आपको पता करना है कि वो विनर्स क्या कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल का लिंक है, देख लीजिए कि वो विनर्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल में पहचान क्या रही है ट्रॉफी जीतने के बाद भी। तो इस सीजन का हम रिव्यू करते हैं। इस सीजन को कई चीज़ों की वजह से ऐतिहासिक बोला जा रहा है, जैसे कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज यानी कि सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला सीजन, मोस्ट नंबर ऑफ कंटेस्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट इसी सीजन में आए, मोस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स यानी कि सबसे ज़्यादा वाइल्ड कार्ड इसी सीजन में आए, मोस्ट नंबर ऑफ टास्क रद्द, सबसे ज़्यादा टास्क इसी सीजन में रद्द हुई, मोस्ट नंबर ऑफ नो इवेक्शन यानी कि सबसे ज़्यादा नो इवेक्शन भी इसी सीजन में हुए, एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ जो इवेक्शन हुए वो घर वालों की रजामंदी से हुई, यानी कि पब्लिक की मर्जी से बहुत कम इवेक्शन हुए, घर वालों की मर्जी से बहुत ज्यादा इविक्शन हुए। जैसे कि आपसी सहमति से चलो खेसारी लाल यादव को भेज दो, इनको भेज दो, ये भेज दो, वो कर दो, या फिर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट को बचा कर रखा गया, जैसे कि मायरा और पारस जब जब इविक्शन या नॉमिनेशन में आए किसी न किसी वजह से उन्हें सेव कर ही लिया गया था। नाउ हैविंग सेड दीज मोस्ट नंबर वाली चीजें, कुछ और मोस्ट नंबर ऑफ वाली चीजें भी हैं, जैसे कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स शुक्ला खाता रहा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो लेटा रहा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो चड्डे में घूमता रहा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसकी जर्नी जो है वो कंबल में दंगल में लिपटी रही, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसने हिंसा की, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो इंग्लिश में बात करता रहा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसने रूल तोड़े, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स सलमान ने उसको कुछ नहीं बोला, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको बचाया गया। ये था एक और मोस्ट नंबर ऑफ वाली चीज जो कि कोई और बोलेगा नहीं। नाउ जर्नी तो खत्म हो चुकी है बिग बॉस की, और बिग बॉस की जो जर्नी शुरू हुई थी अगर हम वापस से अपनी दिमाग को पीछे लेके जाएं तो हम पाते हैं कि जब शो स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर एक मालकिन कॉन्सेप्ट आया था। ये खटारा बनते की बातें कर रहा हूँ मैं कि मालकिन कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया, क्वीन कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया, सो कॉल्ड फर्स्ट फिनाले जबरदस्त फ्लॉप हो गया। शुक्ला इतने दिनों बोलता रहा ना कि आसिम उसकी वजह से टिकारा टिकारा, ये फर्स्ट मंथ जो था वो तो कनेक्शन वाला मंथ था जहां पर कनेक्शन बनाना था। एक्चुअल बिग बॉस तो एक महीने बाद शुरू हुआ, और ये चीज मैंने काफी बार अपने रिव्यू में भी बोली थी, ये जो नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड किए गए हैं ये इसीलिए एक्सटेंड किए गए हैं क्योंकि जो उनका फर्स्ट शिगुफा था सो कॉल्ड कनेक्शन वो फ्लॉप हो चुका था, रियल बिग बॉस एक महीने बाद स्टार्ट हुआ। एंड एक और चीज जो कि मैं मोस्ट नंबर ऑफ वाले आइटम में बोलना भूल गया, इस सीजन में मोस्ट नंबर ऑफ लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए थे, एक कनेक्शन था चैनल से, जैसे कि कलर्स के लिए लिखने वाले सिद्धार्थ दे, सलमान खान की पहचान वाला वो फीफी अबू मलिक, कलर्स की फेस रश्मि देसाई, कलर्स का ही फेस सिद्धार्थ शुक्ला। ना जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो हमें एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही थी कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला जो कि कलर्स के जबरदस्त फेस हैं, इनका तो टॉप टू टॉप थ्री में आना एकदम पक्का है। बट आसिम रियाज के बारे में ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे थे, इंक्लूडिंग मैं खुद ये मान के चल रहा था कि ये बंदा ज्यादा टिक नहीं पाएगा, बिकॉज इसको डे वन पे ही काफी ज्यादा एक तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। इसके बाद घर में तो पारस वगैरह ने टारगेट करना शुरू कर दिया था,
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, इस बंदे ने अपना एक जो ग्राफ है वो काफी ऊपर बढ़ाया, और जैसे जैसे दिन बीतते गए हमें दिखाई देने लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला इतना भी जेंटलमैन नहीं है, इतना भी सिंपल सोबर इंसान नहीं है, इतना भी सेंसिबल इंसान नहीं है। वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो कोई चीज सुन नहीं सकता है, वो दूसरों को टच कर सकता है, वो दूसरों के फैमिली पर जा सकता है, पर खुद पर कुछ बोला जाए तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा हमें एक चीज और पता चल गई कि इस सीजन में कोई भी नियम नहीं है, ये एक और टेढ़ा ट्विस्ट है जहां पर कि इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा अपराध है, बट लोगों की फैमिली पर जाना, लोगों को पुश करना, और बिग बॉस का एक बहुत बड़ा नियम है कि अंग्रेजी में बात नहीं करनी। सिद्धार्थ शुक्ला ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अंग्रेजी में बात की, बिग बॉस की माँ की आंख में दम नहीं था, बिग बॉस के बाप के पिछवाड़े में दम नहीं था कि वो शुक्ला को बोल पाए कि अंग्रेजी में बात मत करो, लेकिन बिग बॉस रश्मि देसाई या फिर शेफाली जरीवाला को बोल सकते थे कि अंग्रेजी में बात मत करो, इंग्लिश में बात मत करो, या गुजराती में बात मत करो, हिंदी में बात करो, बट व्हेन इट कम्स टू शुक्ला, बिग बॉस की माँ की आंख में मोतियाबिंद आ जाता था। बिग बॉस के शुरुआती दिनों में आसिम, सना, सिद्धार्थ शुक्ला एंड आरती का ग्रुप था, बाकी एक पूरा गो गैंग बन चुका था जहाँ पर कि पारस अपनी जबरदस्त रद्दूपंती, अच्छा रद्दूपंती से याद आया, मोस्ट नंबर ऑफ टास्क जो रद्द हुई हैं वो पारस छाबड़ा की बदौलत ही हुई हैं, और सबसे ज़्यादा घटिया संचालन भी उसी का था, और सबसे ज़्यादा फूहड़पंती बकवासपंती भी उसी की थी, बट उसकी इस टास्क रद्द करने की आदत को, लोगों को लड़ाने भिड़ाने की आदत को कभी एक्सपोज नहीं किया गया। इनफैक्ट जब एक पत्रकार आई थी जो कि एक्चुअली में शुक्ला की पीआर है, अब शुक्ला के जो पीआर हैं वो कलर्स वालों ने जगह जगह बिठा दिए लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसकी जो हिंसा थी, उसकी जो गुंडागर्दी थी, उसका जो साइकोपंथी वाला और ड्रग एडिक्ट वाला जो बिहेवियर था उसको जस्टिफाई करने के लिए, कवर अप करने के लिए तमाम जगह सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह शुक्ला के जो पीआर लोग हैं उन्हें बिठा दिया गया। उन्हें इनाम में क्या मिला? उन्हें इनाम में मिला बिग बॉस के घर के अंदर आना, बिग बॉस के घर को न सिर्फ देखना बल्कि कंटेस्टेंट से सवाल जवाब करना और इवेंट अटेंड करना ग्रैंड फिनाले का, ये सब एक लॉलीपॉप टाइप की बांटी गई। शुक्ला का जो पीआर था वो फुद्दू बड़े दांत वाला डायनासोर जो कि सो कॉल्ड एक विनर है बिग बॉस का खुद का, उसकी खुद की अब एक ही पहचान है बिग बॉस के टाइम पर, बिग बॉस की बातें करना, और एक फॉलोअर है वो बिग बॉस का, ये उसकी पहचान है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी लिखी हुई है। तो जितना भी पीआर मंडली थी उनको कल इनाम मिल गया है, उनको मतलब बुलाया गया बिग बॉस के फिनाले में, शुक्ला के साथ सेल्फी वगैरह ली गई, शुक्ला के साथ इंटरव्यू वगैरह लिए गए, तो बढ़िया तरीके से उनको भी चैनल ने अलॉन्ग विद सम फ्रीबीज एंड गुडीज ये सब भी ऑफर किया है क्योंकि वो चैनल ने बिठा रखे थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तो आपने देखा इस बार टेढ़े ट्विस्ट की जो पार्शियलिटी जबरदस्त लेवल की, वो बिंदु दारा सिंह जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर ओपनली सपोर्ट कर रहा है, आसिम को गाली दे रहा है, उस बिंदु दारा सिंह के जो ट्वीट हैं वोट अपील वोट करो शुक्ला को, वो एंडेमोल और कलर्स खुद ही शेयर कर रहे हैं, खुद ही आरटी कर रहे हैं, उस बिंदु दारा सिंह को घर के अंदर भी बुलाया जाता है, आसिम को चार बातें सुनवाई भी जाती हैं, लेकिन अगर आसिम का कोई चाहने वाला या सपोर्ट करने वाला है तो उसे बिग बॉस के अंदर नहीं रखा जाएगा। कॉलर भी ऐसे ऐसे लाए जाते हैं जो कि बिंदु दारा सिंह ही सेलेक्ट करता है और वो लोग आसिम को ही चार बातें सुनाते हैं। डे वन से अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड और बहुत ही ज़्यादा बायस्ड सीजन रहा, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने जब जब हिंसा की उसे मैक्सिमम 2 वीक का नॉमिनेशन दिया गया और बिग बॉस ने बोला ये दंडनीय अपराध है, बहुत ही घटिया अपराध है, इतना घटिया अपराध होने के बावजूद उसे घर से निष्कासित कभी नहीं किया गया। इनफैक्ट जब वो बीमार हुआ और टाइफाइड हुआ उसे हॉस्पिटल गया तो वीडियो कॉल कराया गया, ऑब्वियसली वीडियो कॉल करवाया गया होगा, किसी क्रू मेंबर वगैरह का फ़ोन इस्तेमाल किया होगा, कई लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उसका खुद का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, इसमें कहीं कोई शक की बात है ही नहीं क्योंकि उसको डेली बेसिस पे इनपुट मिलते थे। अगर शेफाली बग्गा ने बाहर आकर जिस दिन बोला कि वो नहाता नहीं है, उस इंटरव्यू के आई थिंक एक दिन बाद ही शुक्ला को 2-3 बार नहाने की बातें या फिर नहाता नहीं है या फिर नहा ले जाके ओके मैं नहाने जा रहा हूँ इस तरह की बातें, और जिस तरह की बातें मैं अपने रिव्यू में करता था, ये पड़ा पड़ा खाता रहता है, काम नहीं करता है, निक्कर पहने घूमता रहता है, चड्डी पहन के फूल खिला है, सेम फीडबैक वहाँ पहुँच गए और उनकी मम्मी के थ्रू भी वही खबर अंदर पहुँचा दी गई और अंदर इनपुट तो डेली मिलते ही थे। भर भर कर बायस्ड अप्रोच दिखाया गया। सिद्धार्थ शुक्ला जब खुद नॉमिनेटेड है लेकिन उसे पावर मिलती है मायरा को सेव करने की, लेकिन आसिम जो कि कैप्टन है उसे कोई पावर मिलती ही नहीं है। आसिम जो कैप्टन है उसके सामने ओपोजिंग कैप्टन का एक शिगुफा खड़ा कर दिया जाता है, बट शुक्ला जितनी बार भी कैप्टन बना कोई ओपोजिंग कैप्टन वगैरह कुछ नहीं था। शुक्ला जब कैप्टन बना उसको हद से ज़्यादा अधिकार दिए गए। रश्मि देसाई भी कलर्स का फेस थी, लेकिन रश्मि देसाई ने और सिद्धार्थ शुक्ला में एक अंतर है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिस दिन से आया वो एडवांस में वीडियो रिकॉर्ड करके आया था
उसे पता था कि मैं इतने दिन रहने वाला हूँ, उसने अपने बर्थडे का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, उसने क्रिसमस, उसने नए साल, यहाँ तक कि लास्ट के दौर में, फिनाले के दौर में वोटिंग अपील का वीडियो भी ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दिया था। कई लोग कह रहे हैं कि शुक्ला ने लोगों के लिए कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी भाई? जिसे पता है कि मैं एंड तक आने वाला हूँ, तो उसे पता है कि मैं चाहे 4 वीक के लिए नॉमिनेट हो जाऊँ या 10 वीक के लिए नॉमिनेट हो जाऊँ, मैं तो शो जीतकर ही बाहर जाऊँगा। तो जाहिर तौर पर वो अपनी इस इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर रहा था दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर दूसरों को एहसान के तले दबाने के लिए, क्योंकि वो शुक्ला जो कहता है मैं करता हूँ तो जताता नहीं हूँ, जबकि इस सीज़न में उसने हज़ारों बार जताया है। इनफैक्ट लास्ट के दौर में ही पारस के लिए उसने जो किया, उसने 50 बार कह दिया कि मैं तो अपना फेवर रिटर्न कर रहा था, मैं तो ऐसा चुका रहा था, मैं पेबैक कर रहा था। वो करता इतना है, जताता 100 बार है। ये है सिद्धार्थ शुक्ला, जिसे मैन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता था, जो एक एपिसोड में बोलता है सना से मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगा, अगले एपिसोड में कंबल में दंगल शुरू हो जाता था। सिद्धार्थ शुक्ला ने पूरे सीजन में आसिम को यूज़ किया, सना को यूज़ किया, पारस माहिरा को यूज़ किया, लेकिन कहता है कि अकेला हूँ मैं, और उसके इस अकेलेपन को कभी एक्सपोज नहीं किया गया, कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए गए। रश्मि की पर्सनल लाइफ, आसिम की पर्सनल लाइफ या पारस की पर्सनल लाइफ के ऊपर तो सवाल जवाब बहुत किए गए, बट शुक्ला से कभी नहीं पूछा गया शुक्ला की कितनी गर्लफ्रेंड है। आप ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, दृष्टि से लेकर तनिषा, शेफाली जरेवाला, पारस की करंट गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी, रश्मि देसाई, और वो शीना फीना, और ये मनीषा फनीषा, और शिल्पा शिंदे बॉडम महिला, उसका भी एक वीडियो आया जहाँ पर कि वो भी गर्लफ्रेंड थी। तो शुक्ला से कभी सवाल जवाब नहीं किए गए कि आप एक कैसेनोवा हो, आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप फिर क्यों अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ कंबल में दंगल खेलते रहते हो। जिस तरह आपने आसिम से पूछा था कि तुम्हारी वजह से हिमांशी का रिश्ता टूट गया, उसकी इमेज खराब हुई, क्या आपने कभी और शहनाज के लिए बोला कि शहनाज तुम इसके साथ चिपकी रहती हो, या आपने शुक्ला से बोला कि शुक्ला तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ कंबल में दंगल करते हो, क्या आपने कभी सोचा कि इस लड़की की इमेज के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? चलो उसको छोड़ो, तुमने अपना सोचा कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ कंबल में एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह लेटे रहते हो तो बाहर क्या असर पड़ेगा? लेकिन नहीं, वहां नहीं पूछा जाएगा, सारे सवाल जवाब दूसरे लोगों से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती थी। उसके बाद रोहित शेट्टी को भेज दिया जाता था कि यहाँ कोई बायस्ड अप्रोच नहीं होता है। इसके बाद बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया कि ये शो हम बड़ी ईमानदारी से बनाते हैं। आह वाह वाह वाह, क्या बात है, ईमानदारी। मधुरिमा ने हिंसा की, उसे निकाल दिया गया, बट शुक्ला बैक टू बैक हिंसा करता रहा, उसे जस्टिफाई किया गया कि आसिम पोक करता है। इसी पोकिंग को, इसी इंस्टिगेशन को पिछले सीजन तक यही होस्ट सलमान खान खुद बोला करते थे कि इंस्टिगेशन तो इस शो का पार्ट है, आपको इंस्टिगेट करेंगे लोग, आपको पेशेंस दिखाना है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है। लेकिन इस एक तरफा सीजन में धैर्य कोई नहीं रखेगा। इस सीजन में तो एक बेंचमार्क सेट हो गया है आगे आने वाले सीजन्स के लिए कि इस सीजन में सिर्फ पुश हुए हैं, गाली गलौच हुई है, अगले सीजन में इससे एक लेवल ज़्यादा जाया जाएगा, किसी न किसी का मर्डर कराया जाएगा, किसी न किसी का सर फोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर कोई कलर्स का फेस लाया जाएगा और उसके लिए सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप अगर इस सीजन को ध्यान से देखें आखिरी के 2-4 हफ्ते में, तो पारस छाबड़ा जो कि एक टाइम पर सिद्धार्थ शुक्ला का कट्टर दुश्मन था, और अभी 2-3 वीक पहले उसने बोला था कि मैं जीत के जाऊंगा, सडनली वो इतना माइल्ड हो गया, सडनली वो इतना रिलैक्स्ड हो गया। और सना को भी 2-3 वीक से एक इनपुट मिल ही रहा था इनके नए शो के लिए। तो आप देखिए, ये कितना भी छुपा लें, लेकिन ये शो जब भी आप देखेंगे तो आप याद करेंगे इस सीजन को अव्वल नंबर का बायस्ड और स्क्रिप्टेड और सो कॉल्ड रियलिटी शो। सलमान बोलते हैं कि ये रियलिटी शो है, यहाँ पर जो होता वही, क्योंकि वो जनता जो बिग बॉस को इतने सीजन से देख रही है, वो जनता जानती है कि यहाँ डॉली बिंद्रा जैसे लोग आए, यहाँ पर सुरभि राणा जैसे लोग आए, यहाँ शिल्पा शिंदे जैसे लोग आए जो कि इंस्टिगेट करते रहे, प्रोवोक करते रहे। आपने हमेशा उस इंस्टिगेशन को घर वालों को बोला कि भाई यही तो खेल है, बट इस सीजन में आप डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि इंस्टिगेट करना भी एक गुनाह है। आपने इंस्टिगेट किया तो उसने रिएक्ट किया, वाह वाह, मतलब इनके इंस्टिगेशन के बदले वो अगर इनका सर फोड़ देगा तो आप बोलोगे उसने इंस्टिगेट किया। तो फिर बिग बॉस में कोई टास्क होनी नहीं चाहिए, फिर इंस्टिगेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर कोई टास्क होती है जहां पर कि अगर आसिम अगर शुक्ला को रोकने के लिए हाथ का यूज करेगा, बल का प्रयोग करेगा, तो आसिम को रोक दिया जाएगा, बट सेम शुक्ला दोनों हाथों से रश्मि और आसिम को ब्लॉक कर लेगा तो उसे अलाउड किया जाएगा। उसके बाद रजत शर्मा को भेजा जाएगा लास्ट में डैमेज कंट्रोल के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं आखिरी में शुक्ला को एक आईना दिखाया और साबित कर दिया कि वो गुंडा है, वो लोगों को नीचा दिखाता है, वो दादागिरी करता है, वो अपने हिसाब से ही चलता है, उसको किसी की परवाह नहीं है। बट ऐसे अहंकारी, ऐसे गुंडे को चैनल ने ट्रॉफी दे दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है और बहुत बड़ी एक चीटिंग है, एक धोखाधड़ी है जनता के साथ,
क्योंकि कई लोग, इनफैक्ट मैंने खुद ने शुक्ला को एक हद तक सपोर्ट किया था, लेकिन जब मैंने देख लिया कि ये बंदा जो है इसको चैनल अननेसेसरी सपोर्ट कर रहा है, इसकी रॉन्ग डूइंग्स को जस्टिफाई कर रहा है, इसे ग्लोरीफाई कर रहा है, क्योंकि वो बिग बॉस जिसको हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम है और उन नियमों का पालन सब लोग करते हैं, लेकिन शुक्ला के लिए सारे नियम साइड में रख दिए गए और वो मोमेंट था जब मैंने महसूस कर लिया कि नहीं भैया, हम इस रॉन्ग डूइंग को सपोर्ट या जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो भेड़ चाल में नहीं चलता। जब मैंने देख लिया कि पूरा कलर्स का सिस्टम लगा है सिद्धार्थ शुक्ला को लास्ट सीजन दीपिका कक्कर की तरह आगे लेकर आने में और उसे विनर बनाने में, मैंने वहीं पर सोच लिया कि मुझे भेड़ चाल में नहीं जाना, क्योंकि कई लोग हैं जो पिछले सीजन में कलर्स के फेस को विनर बनने पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे, लेकिन इस सीजन में उन लोगों ने अपना दोगलापन दिखाया और पलटी मार ली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, किसी भी रीजन से। पिछले सीजन में कलर्स फेस को क्रिटिसाइज करने वाले इस सीजन में कलर्स फेस को विनर बनाने में लग गए। तो जैसा दोगलापन अंदर बिग बॉस में दिखाया गया, ईमानदारी से हम शो बनाते हैं, ईमानदारी तो एक दिखावा थी, अव्वल नंबर का एकदम स्क्रिप्टेड और बायस्ड पूरा सीजन रहा है, जहां पर कि सिद्धार्थ शुक्ला को हमेशा एक भगवान से भी लार्जर देन लाइफ वाला इंसान दिखाया, उसकी रॉन्ग डूइंग्स को, उसकी गुंडागर्दी को, उसके यू नो भुक्कड़ एटीट्यूड को, काम नहीं करना बस खाते रहना, और लेटे लेटे ट्रॉफी पकड़ा दी। बाकी कई लोग बोलते भी कि सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग था, तो मेरा तो एक ही सवाल है, इतना बड़ा टीआरपी किंग था तो फिर सीजन में अकेला आ जाना था ना इसको, बाकी लोगों को लेके क्यों आए, जब वो अकेला ही टीआरपी देता था तो बाकी लोगों को लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो बाकी लोगों को लाए आप, सना को आपने यूज़ करवाया, आसिम को आपने यूज़ करवाया, पारस मारे सबको यूज़ करवाया, शुक्ला को अच्छा दिखाने में और शुक्ला को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करवाने में मेहनत करें बाकी लोग, एंड नॉन डिजर्विंग ले जाए ट्रॉफी, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है, छल है, लेकिन यही है टीवी वर्ल्ड, यही है बॉलीवुड के लोग, जहाँ पर कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ पर जो डिजर्विंग होते हैं उनको साइड में कर दिया जाता है, और वो लोग जिनमें टैलेंट नहीं है, जिन्हें हमेशा बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें अंदर से इनपुट दिए जाते हैं, जिनका खुद का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे लोगों को चैनल प्रमोट करता है। जबकि ऐसे लोग जैसे आसिम जैसे लोग या शहनाज़ गिल जैसे लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इस शो में वो आए, एक मुकाम बनाया, उन्हें सपोर्ट करने के बजाय चैनल ने इन लोगों को साइड में कर दिया और एक ऐसे इंसान को रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया जो ड्रंक एंड ड्राइव में अंदर जा चुका है, अपने को स्टार्स को अब्यूज़ कर चुका है, बाहर उसकी एक इमेज गुंडे की है और अंदर भी वो गुंडागर्दी ही दिखाता रहा, बाहर मिल तो जो बाहर दिखाता हूँ। सो एक ऐसा इंसान जो वुमनाइजर है और असम की लड़कियों से उसके जिस्मानी ताल्लुकात भी रह चुके हैं और कई लड़कियों को अब्यूज़ करता रहा है, ऐसा इंसान आपने नेशनल टीवी पर एक हीरो के रूप में प्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, क्योंकि सलमान खान खुद ऐसे ही रहे हैं और अपने दिनों में उन्होंने भी कई लड्डू खाए हैं, कई हीरोइनों को उन्होंने भी बढ़िया तरीके से यूज एंड थ्रो किया है, एंड ड्रंक एंड ड्राइव में तो ये अंदर जा ही चुके हैं। तो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों को सपोर्ट करते रहे, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि पिक्चरों में सच्चाई की अच्छाई की बात करने वाले सलमान खान इस सीजन में इस कदर पैसे के आगे अंधे हो गए कि उन्होंने सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना छोड़ दिया। जो स्क्रिप्ट उन्हें दी गई उन्होंने हूबहू वैसा ही रटना, तोते रटे हुए तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। सलमान खान इस कदर आज पैसे के आगे अंधे हो चुके हैं कि पेप्सी जैसा जहर, जिसे बड़े बड़े टीवी स्टार जो कि और क्रिकेटर्स एक समय पर उसका ऐड करते थे, उन सब ने छोड़ दिया। सलमान खान ने पेप्सी को पकड़ लिया कि चलो कहीं से गया पैसा तो आए। वो सलमान खान जो फिनाले में वो जो लिजर्ड थी छिपकली उसको किस करने के लिए, जब रोहित शेट्टी ने बोला तो बोले मेरी मम्मी सामने बैठी है, मैं माँ के सामने किस नहीं करूँ। लेकिन एक ऐसा सीजन जहाँ पर अश्लीलता वल्गैरिटी भर भर कर परोसी गई, सलमान ने एक बार भी उसके ऊपर कुछ नहीं बोला कि यार जिस सीजन में मैं हूँ ये फैमिली शो है, फैमिली सीजन है, लेकिन यार चीपनेस बहुत हो रही है, एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये भी एक टेढ़ा ट्विस्ट था कि सलमान तुम सीजन देखोगे नहीं, तो जितना हमने बोला बस उतना बोलना, जितना हमने दिखाया उतना ही देखना, और सिर्फ आसिम या रश्मि या विशाल को ही सुनाना। तो ज्यादा ना बोलते हुए बिग बॉस सीजन 13 का ये जो पूरा सीजन है स्टार्ट टू फिनिश अगर हम देखें तो निहायत ही स्क्रिप्टेड, निहायत ही खटारा, निहायत ही बायस्ड पूरा सीजन रहा। डे वन से ही इनका विनर फिक्स था, एंड उस विनर को भी पता था कि मैं लास्ट तक रहने वाला हूं, तो वो अपने बर्थडे का, क्रिसमस का, नए साल का, और यहाँ तक कि लास्ट के दिनों की वोटिंग अपील का वीडियो भी पहले से ही रिकॉर्ड करके आ चुका था। कलर्स फेस तो रश्मि भी थी, लेकिन रश्मि ने ऐसे वीडियो क्यों नहीं डाले, ये सोचने वाली बात है कि विनर उन्हें बनाने का शायद इन लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इनकी पसंद सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला है। सिद्धार्थ शुक्ला
खतरों का खिलाड़ी में भी था, वहां पर भी एलिमिनेट हुआ, वापस आया और जिता दिया गया। एंड वहां झलक दिखला जा में भी इसने अपना ही गुंडा कर दिया, गुस्सा वाला रवैया दिखाया था। इतना नेगेटिव पर्सन, इतना एग्रेसिव पर्सन अगर जीतता है तो ये कहीं ना कहीं कलर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि वो पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अब ये पब्लिक के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज़ को लेती है, कैसे इस तरह की बातों को लेती है। रही बात मेरी तो मुझे तो कई तरह के लोग कई तरह की बातें करेंगे, बट मैं हमेशा ये करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहा हूँ। ये जो सलमान खान है, बॉलीवुड है या टीवी इंडस्ट्री है, इनका जो दोगलापन है, ये कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ हमेशा मैंने स्टैंड लिया है और भले ही दुनिया पूरी मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं तो वही चीज़ बोलता हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला को भी एक हद तक मैंने जस्टिफाई किया था, बट द मोमेंट आई रियलाइज कि भैया इसको तो हद से ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो राजा का बेटा राजा बनेगा या जो नेपोटिज्म की औलादें आगे बढ़ेंगी, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग पर्सन है वो आगे बढ़े, उसे सपोर्ट किया जाए ताकि दुनिया उसका रियल टैलेंट देखे। सिद्धार्थ शुक्ला का एक ही टैलेंट है, लोगों को मारना, गाली गलौज करना, सिगरेट पीना, पड़े पड़े खाते रहना, बस। एक गंजेड़ी को, एक भंगेड़ी को, एक नशेड़ी को, एक लड़कियों को गाली देने वाले को और लोगों के बाप बाप पर जाने वाले को लोगों ने विनर के रूप में स्थापित कर दिया है। एक डायलॉग है ना किसी मूवी का कि तू यहाँ आया नहीं है, तुझे लाया गया है, उसी तरह शुक्ला विनर बना नहीं है, उसे बनाया गया है। पब्लिक के वोट से वो बिल्कुल भी विनर नहीं बना है, वो चैनल की चॉइस से विनर बना है। ये चीज़ हार्डकोर शुक्ला फैंस भी जानते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, मत कबूल करो, ऊपर वाले की घर में देर है, अंधेर नहीं है। जैसे कई जो विनर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ट्रॉफी मिल गई, ट्रॉफी रखी रही घर में, लेकिन उन लोगों को गली का कुत्ता नहीं पूछता। सो आई विश द सेम कि ऐसा डेफिनेटली बिग बॉस के बीते कुछ सालों से तो यही हो रहा है कि ट्रॉफी लेने वाला सिर्फ ट्रॉफी को निहारता रहता है, बाहर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती नहीं है। रनर अप्स की वैल्यू ज़्यादा बन रही है, क्योंकि बिग बॉस में अगर आप रनर अप है तो रियल जिंदगी में वो इंसान जीत ही जाता है। जैसे कि बाजीगर का डायलॉग है ना, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। तो जो यहाँ हार गए ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी में हार जाए, और जो यहाँ जीता है ज़रूरी नहीं वो ज़िंदगी में भी जीत जाए। तो रियल ज़िंदगी का बिग बॉस तो अब शुरू हुआ है, लेट्स सी आने वाले कुछ दिनों में कुछ पता चल ही जाएगा। तो वो लोग जो आके मुझे कहेंगे कि डीएसके तेरे गुर्दे छिल गए, तेरे गुर्दे छिल गए, तो भैया पिक्चर अभी बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, बॉर्डर महिला के फैंस भी बहुत उछला करते थे, सो जस्ट वेट एंड वॉच, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग बड़ी जल्दी, तब पता चलेगा कि कौन जीता एंड कौन हारा। और रही बात ट्रॉफी की, तो ट्रॉफी फुद्दू सिंह को भी मिल गई, गुर्जर को भी मिल गई, बॉर्डर महिला को भी मिल गई, कौन से तीर उखाड़ लिए ट्रॉफी घर में रख के। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस इस मोस्ट स्क्रिप्टेड सीजन के बारे में, जो कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज तक चला और मोस्ट बायस्ड सीजन के तौर पर इसे हमेशा याद किया जाएगा, मोस्ट खटारा सीजन के तौर पर इसे हमेशा याद किया जाएगा। कमेंट कीजिएगा आपके ओपिनियंस इस खटारा स्क्रिप्टेड बायस्ड सीजन के बारे में। बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन बिग बॉस की बातें आने वाले कुछ दिनों तक चलती रहेंगी। एंड आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।